नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक के बारे में जो कि आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे 9 स्टॉक के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 6 महीने तक इसको होल्ड करते हो तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न जो है दे सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको NHPC भी बताया था, मैंने इससे पहले आपको अरेडा बताया था, मैंने इससे पहले आपको IDFC फर्स्ट बैंक भी बताया था और HBL पावर मैंने ₹150 भी बताया था, जो अभी करंट प्राइस आप चेक करोगे तो आपको ₹550 पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा या फिर उससे भी ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो इसी तरह के मल्टीबैगर रिटर्न अगर आप चाहते हो तो आपको इस वीडियो को जरूर शुरू से एंड तक देखना चाहिए। इसमें भी यही स्टॉक जो है, इसी तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक कमेंट और शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में बताया गया सारे स्टॉक एजुकेशन पर्पस के लिए आपको एनालिस्ट करके मैं बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद भी थोड़ी रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हो तो मैं आपको फंडबीज के बारे में बता देना चाहता हूँ। फंडबीज जो है पैसिव इनकम कमाने का बहुत ही बेहतरीन ट्रस्टफुल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको मंथली 3% के हिसाब से ROI मिल सकता है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो। इसके बारे में डिटेल में जानना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के टीम से बात कर सकते हो, आपकी मदद करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे स्टॉक के बारे में जो फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, कुछ को लेकर के अच्छी न्यूज आई हुई है, कुछ मार्केट की रिकवरी के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं और सभी इंडिकेटर इसमें जो है बाइंग के अच्छे सिग्नल दे रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग वाले स्टॉक है जो आज मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं। इन स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए खरीद सकते हो। आप मुझ पर भरोसा करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है और रिसर्च करने की और भी अच्छे अच्छे स्टॉक आपके लिए लेकर के आने की। तो चलिए सीधे लेके चलता हूं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं कौन कौन से स्टॉक। तो यहाँ साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन शो होगी, बारी बारी से सभी स्टॉक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है NMDC स्टील, जो कि यहाँ पे मैंने सर्च करके रख दिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 246 रुपीज के आसपास इसकी स्टॉक की प्राइस यहाँ पे चल रही है। सीधे इसके फंडामेंटल चेक करते हैं हम। यहाँ पे टेक्निकल आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे अभी चल रही है। आप इसके फंडामेंटल पे हम चलते हैं सीधे, तो यहाँ पे आप देखो 100% से ऑलरेडी रिटर्न ईयरली जो है ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ पे आप देखोगे 60% प्रमोटर है, 10% के हिसाब से यहाँ पे FIDA ने भी यहाँ पे जो है खरीदारी कर रखी है। तो इसके चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको लेके जाऊँ सीधे तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टॉक जो है अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ से अगर आप एंट्री करते हो तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको निकल कर दे सकता है। अगला स्टॉक है हमारा MRPL, यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि 244 रुपीज के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, सीधे इसके फंडामेंटल्स के ऊपर मैं लेकर के आपको चलता हूँ तो आप देख पाओगे कि 360 रुपये के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक यहाँ पे दे चुका है। यहाँ पे आप देखो इसके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। 88% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर आपको दिखेंगे, 3% के आसपास FIDA की भी यहाँ पे होल्डिंग आपको मिलेगी और भी इंस्टीट्यूशन जिसने यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सीधे इसका ओवरव्यू जाकर के हम देखते हैं, चार्ट में आपको लेकर चलता हूँ। देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट की रिकवरी के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। इससे पहले भी हमने इसको रिकमेंड करा, जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है अच्छे पैसे में चल रहे होंगे भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ऐसी अपडेट पहले भी चलना चाहते हो जिससे आपका ये मौका छूट ना जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जाते रहते हैं, लेकिन अब भी इसको खरीदने का मौका नहीं है, आपको इसको बाय करना है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। 244 रुपीज के आसपास मार्केट प्राइस इसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 320 रुपये का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे अपना पारादीप लिमिटेड, यहाँ पे आप देख रहे हो 80 रुपये के आसपास की प्राइस चल रही है। इससे हमें कुछ दिनों पहले भी रिकमेंड करा था, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुका है। आज की डेट में आप देखो तो 3.5% से स्टॉक बढ़ चुका है, क्योंकि अभी मार्केट डीप आया तो हमने बताया था कि स्ट्रॉन्गली जितने भी अच्छे स्टॉक है जिसमें एरिडा IRCTC अच्छे स्टॉक है उसको बाय करने का मौका है, तो आप जाकर के बाय कर सकते हो। तो इन स्टॉक में कोई सोचने वाली बात नहीं है, सरकारी कंपनी से तो आप उसको बाय कर ही सकते हो, लेकिन ये सारे स्टॉक है उसके साथ साथ बहुत अच्छा रिटर्न आपको देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखो 40% का ऑलरेडी रिटर्न ईयरली ये दे चुका है आपको। यहाँ पे इसके फंडामेंटल को बहुत अच्छे फंडामेंटल से स्टॉक के स्टॉक का चार्ट यहाँ पे देखो कंसोलिडेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से गाड़ी भागने के लिए तैयार बैठे, तो इस गाड़ी में आप बैठ सकते हो। और नेक्स्ट टारगेट जो है मुझे 100 रुपीज का दिखाई दे रहा है और इसे अगर 6 महीने तक होल्ड कर सकते हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिटर्न निकाल करके स्टॉक आपको दे सकता है। इस लिस्ट में अगला स्टॉक अपना NHPC, जो कि हमेशा से मैं रिकमेंड करता आ रहा हूँ। ये जो डाउन आया था डाउन मार्केट में तब भी मैंने रिकमेंड करा था, आज की डेट में आप देखो 5.5% के हिसाब से कंपनी जो है ग्रो कर चुकी है, स्टॉक जो है ग्रो कर चुका है। सीधे इसके फंडामेंटल्स के ऊपर चलेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो 127% का ईयरली रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है। यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सीधे मैं इसके ओवरव्यू के ऊपर चलता हूँ, टेक्निकल आपको देखा तो स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग है। सीधे चार्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप देखो 92
रुपीज़ के आसपास इसने आज क्लोजिंग दे दी है और यहाँ से कंसोलिडेट करके ये स्टॉक जो है यहाँ से निकल चुका है। जब ये 77 रुपीज़ के आसपास आ गया था तब भी मैंने इसे बाय करने की सलाह दी थी और आज 92 रुपीज़ के आसपास है तब भी मैं इसको बाय करने की सलाह आपको दूंगा। नेक्स्ट टारगेट जो मुझे दिखाई दे रहा है 120 रुपये का, इसमें नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ पे आप देख सकते हो 575 रुपीस के आसपास के स्टॉक के प्राइस चल रहे हैं। चार्ट इसका हम दिखा देते हैं आपको। आप देखो बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक देख चुका है। जब भी ये 400 रुपये के आसपास था यहाँ पे तब भी हमने इसको बाय करने की सलाह दी थी। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा। और यहाँ पे देखो 575 रुपीस के आसपास इसने अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो मुझे नेक्स्ट टारगेट जो है सीधा 700 रुपये का दिखाई दे रहा है। आप 6 महीने तक स्टॉक को होल्ड कर लो, आपको बहुत अच्छे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। सरकारी कंपनी सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। ये जब डीप आया था अभी लास्ट टाइम तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी। जब ये 500 रुपए पे आया था तब भी हमने इसे बाय करने की सलाह दी थी। अगर आपने देखी होगी रील तो जाकर के आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने इसमें एंट्री बनाई थी बहुत अच्छा पैसा ऑलरेडी कमा चुके हैं। लेकिन अब भी मौका नहीं गया है। यहां से अगर आप मार्केट प्राइस पे इसको बाय करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपको 700 रुपए का बहुत कम टाइम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो 189 रुपीज के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है। चार्ट सीधे आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेट कर चुका है। जब ये डीप आया था यहाँ पे 180 रुपए के नीचे तब भी मैंने इसे बाय करने की सलाह दी थी और अब भी इसे बाय करने का मौका नहीं गया है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो, इसे खरीदना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। नेक्स्ट टारगेट जो आपको 220 रुपए का दिखेगा। आईओसी जो है इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। सारे इंडिकेटर बाय करने को, सारे इन्वेस्टर बाय करने को रहे। अब भी आपको लगता है कि स्टॉक नहीं चलेगा तो आप ये मौका गवा दोगे। तो इतने अच्छे स्टॉक को इतनी अच्छी प्राइस पे बाय करने का मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, मैं आपको ये बता रहा हूं। तो अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आईओसी इज द बेस्ट स्टॉक। अगला स्टॉक हमारा ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो 1390 के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है। सीधे मैं इसके चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टॉक में है। हेल्थ सेक्टर की कंपनी है तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है। यहाँ से आपको इस स्टॉक पे इस स्टॉक को इस प्राइस पे खरीदने का दोबारा मौका नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे सीधा 1500 रुपये का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस 6 महीने तक होल्ड करोगे तो इस 16 के आसपास आपको आराम से पहुँचा देगा। तो ये स्टॉक में आप अच्छा पैसा बना सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो इसमें पैसा लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है। स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है और बहुत शॉर्ट टाइम में आप देखो तो अच्छे रिटर्न ऑलरेडी निकाल करके दे चुकी है। आज के दिन में आप देखोगे तो 5% स्टॉक बढ़ चुका है। इसके फंडामेंटल के अंदर अगर मैं आपको बात करूं लेकर चलूं सीधे फंडामेंटल में तो आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे इसके फंडामेंटल हैं। यहां पे आप देख पा रहे हो 200% का रिटर्न एक साल में स्टॉक दे चुका है। तो मुझे लगता है इस साल भी आपको 50% से ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। तो अगर एक लॉन्ग टर्म बेस्ट और अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये स्टॉक को आप भूल नहीं सकते हो। अगला स्टॉक हमारा एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 426 रुपए के आसपास स्टॉक की ऑलरेडी प्राइस चल रही है। सीधे इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं। लॉजिस्टिक की कंपनी है, ऑलरेडी अपना हाई जो है उसको तोड़ चुकी है। यहाँ से एंट्री लेने का मुझे बेस्ट टाइम दिख रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 500 रुपए का दिख रहा है। अगर इसे शॉर्ट टर्म में आप पैसे बनाना चाहते हैं तो इस स्टॉक से बेस्ट और कोई भी स्टॉक नहीं है। इस वीडियो का और इस सीरीज का हमारा आखिरी स्टॉक एनर्जी सेक्टर का स्टॉक स्वांग एनर्जी लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी, ऑलरेडी अच्छा ग्रो कर रही है। आप देख पा रहे हो 750 के आसपास स्टॉक की प्राइस यहाँ पे आपको चलती हुई दिखाई देगी। सीधे मैं चार्ट के ऊपर लेकर के आपको चलता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा मूवमेंट स्टॉक में दिखाई दिया है। जब ये यहाँ पे 700 से नीचे था तब भी हमने इसे बाय करने की सलाह दी थी। अभी 737 के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है। मार्केट प्राइस पे भी इसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट जो है आपको 850 रुपये का देखने को मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कर रही है। यहाँ पे इसके फंडामेंटल के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के चलूँ तो आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है। 170% के हिसाब से ऑलरेडी ईयरली रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल, 11% की होल्डिंग एफआई ने भी यहाँ पे कर रखी है। तो ये पूरी सीरीज का बेस्ट स्टॉक अगर मैं इसे कंसीडर करूंगा तो आईओसी और ये वाला स्टॉक, दो स्टॉक को मैं करने वाला हूं। तो इन दोनों स्टॉक में आप पैसे जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा सकते हो। वैसे सारे स्टॉक जो हमने बताए हैं अभी आपको मल्टीबैगर स्टॉक और मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वही स्टॉक आपको रिकमेंड करते हैं जिसमें कोई बात होती है, पूरा एनालिसिस करके आपका टाइम कम बिगड़े इस तरह के हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार देखने, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो लगातार देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को उन सब लोगों तक शेयर करने में मदद कीजिए जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, क्योंकि अभी फेक चीज़ें बहुत सारी मार्केट में चल रही हैं। तो आप जेन्यून चीज़ों को प्रमोट करोगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं मात्रा हूँ।